गुड मॉर्निंग एम कॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज ऑपरेशनल रिसर्च की इस क्लास में हम असाइनमेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। असाइनमेंट पर ये पहला लेक्चर है। हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं जैसे ऑपरेशंस रिसर्च बाय डॉक्टर श्रवण कुमार, सेकंड बुक है ऑपरेशंस रिसर्च बाय श्री आनंद शर्मा, और थर्ड है ऑपरेशन रिसर्च बाय डॉक्टर ए के गर्ग एंड डॉक्टर आर के सिंगल। हम इनका धन्यवाद देते हैं। आज सबसे पहले हम ये समझें असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सामने कभी कभी एन टाइम्स के वर्क होते हैं और एन वर्कर्स होते हैं, तो हमें उनको आपस में कार्य को इस प्रकार से बांटना है, अर्थात असाइन करना है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उन्हें हम असाइनमेंट कहते हैं। व्हेन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज टू एन नंबर ऑफ टास्क, इसका मतलब यह है कि हमें एन टास्क हैं और एन परफॉर्मर्स हैं, हमें उनको इस प्रकार से कार्य का बंटवारा करना है जिससे कि वह ऑप्टिमम वे में हम उन्हें कार्य असाइन कर सकें। एक अन्य उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे पास पांच कार्य हैं और पांच ही वर्क व्यक्ति हैं, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य बांटा जाए जिससे कि वह व्यक्ति न्यूनतम समय में अपने कार्य को पूरा कर ले। अर्थात यह दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं, न्यूनतम या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हो सकती हैं। न्यूनतम मैक्सिमाइजेशन, न्यूनतम का लक्ष्य अलग होता है असाइनमेंट में, और मैक्सिमाइजेशन का तरीका अलग होगा। ये एक प्रकार से हमेशा एक बात का ध्यान रखें, ये हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर टेबल वन, जिसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि हमारे पास चार एम्प्लॉई हैं और चार ही कार्य। इस पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है चार बाई चार की, अर्थात चार कर्मचारी हैं और चार ही कार्य हैं हमारे पास। कर्मचारी ए के द्वारा जॉब ए को पांच मिनट में किया जाता है, जॉब बी को तीन मिनट में, और जॉब सी को छह मिनट में, जॉब डी चार को 8 मिनट में। जो कर्मचारी बी है वह जॉब वन को 9 मिनट्स में करते हैं, जॉब बी को दो को बी जो है जॉब नंबर दो को 4 मिनट में करते हैं, जॉब नंबर तीन को 5 मिनट में करते हैं, और जॉब नंबर चार को 6 मिनट में करते हैं। इस तरीके से ये एक समस्या हमारे सामने, सी का भी डाटा दिया हुआ है और डी का भी दिया हुआ है। सबसे पहली बात क्या करनी है कि प्रोग्राम ये बैलेंस होना चाहिए। इसके पश्चात हम पहला स्टेप है कि प्रत्येक टेबल रो के अंदर, इस टेबल वन बनाया है इसमें चार रो हैं ए बी सी और डी, प्रत्येक रो के अंदर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना है, तो पहली रो है ए एम्प्लॉय की जिसमें फिगर है 5, 3, 6, 8, इसमें मिनिमम स्मॉलेस्ट आइटम है 3, बी में 9, 4, 5, 6 है जिसमें स्मॉलेस्ट आइटम है 4, सी रो में 6, 8, 7, 5 है स्मॉलेस्ट आइटम है 5, डी में 9, 6, 3, 1 है स्मॉलेस्ट आइटम है 1। इससे में ये बात पता लगी कि ए रो में 3 मिनिमम है, बी रो में 4 मिनिमम है, सी में 5 मिनिमम है और डी में
वन मिनिमम है, पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। इसके बाद आप अगले स्टेप पे आएंगे। अगले स्टेप में हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि टेबल टू बनाना, अभी हमने रो वाइज किया, अब हम कॉलम वाइज करेंगे। ये टेबल टू में हम सबसे पहला काम ये करेंगे, ये जो हमने स्मॉलेस्ट आइटम 3 4 5 1 था, ये सब्ट्रैक्ट करके एक टेबल टू बनाएंगे। ये वाली टेबल हमने टेबल टू बनाया, किस तरीके से बनाया देखिए, समझने की कोशिश करिए। हमने 5 में से 3 कम किया 2 आएगा, 3 में से 3 कम किया 0 आएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 3 आएगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 5 आएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5 आएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1 आएगा, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2 आएगा। इसी प्रकार रो सी में 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, 5 माइनस 5 0 आएगा। रो 4 में डी है और डी का स्मॉलेस्ट आइटम 1 है, इसलिए 9 माइनस 1 8 आएगा, 6 माइनस 1 5 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, और 1 माइनस 1 0 आएगा। इस तरह से हमने एक टेबल 2 तैयार कर लिया है। अब इस टेबल 2 को हमने यहाँ टेबल 3 में कॉपी किया है। क्यों कॉपी किया है, देखो कि हमने यहाँ पर नहीं दिखाया, थोड़ा इसको सिखा रहे हैं आपको, इसलिए हम यहाँ पर टेबल 3 में इसी को कॉपी करा। और फिर प्रत्येक कॉलम के अंदर स्मॉलेस्ट आइटम को सेलेक्ट किया, जैसे 2 5 1 8 में स्मॉलेस्ट है 1, 0 0 3 5 में स्मॉलेस्ट है 0, 3 1 2 2 में स्मॉलेस्ट 1, 5 2 0 0 में 0। इस तरह से हमें एक टेबल 3 मिल गई, बन गई। इसके बाद हम, अब हमने दो स्टेप पूरे किए हैं। पहला स्टेप किया है कि रो वाइज हमने स्मॉलेस्ट आइटम के कम किया, फिर उसके बाद कॉलम वाइज हमने सबट्रैक्ट किया, तो हमारे पास इस तरह से सबट्रैक्ट करके हमें एक टेबल 4 बन गई। 1 0 2 5, देखिए 2 माइनस 1 करके दिखा देते हैं आपको, देखिए 2 माइनस 1 किया 1, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 1 7, 0 माइनस 0 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा। जहाँ 0 है तो वो एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, या 3 माइनस 1 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, फिर 5 2 0 0 एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि मिनिमम आइटम 0 था मेरा। इस तरह से एक नई टेबल 4 बन गई। इस टेबल 4 के बाद का जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसके बाद हम टेबल 5 पे जाएंगे। अब हम अलॉटमेंट ऑफ वर्क करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ वर्क हो जाए। अलॉटमेंट ऑफ वर्क करते समय सबसे पहला स्टेप है कि जिस रो में आपके पास मिनिमम है 0, अर्थात इस रो में, ए रो में एक ही 0 है, बी रो में 2 0 है इसलिए नहीं लेंगे, सी रो में 2 0 नहीं लेंगे, और डी में भी 1। सबसे पहले ऊपर से रो से शुरू करना है। तो हमने ये देखा कि ए रो में एक ही 0 है, तो हमने यहाँ पर ये वर्क इसे अलॉट कर दिया, ये हमने वर्क अलॉट कर दिया, तो हमने यहाँ पर वर्क अलॉट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ वर्क अलॉट किया, यहाँ पर वर्क नहीं दे सकते इस जगह, क्योंकि ये व्यक्ति को जॉब टू
ए को मिल चुका है तो ये यहाँ पर अलॉट नहीं होगा बी को। अब यहाँ जब अलॉट नहीं होगा तो इसके इस रो में भी एक ही जीरो रह गया, तो हमने बी को जॉब 3 अलॉट कर दिया। यहाँ अभी कोई और कॉलम में जीरो नहीं है। इसके बाद अगले सी रो में आते हैं, बी भी कंप्लीट हो गया। सी में आए तो हमें देखना है कि यहाँ 2 जीरो इसे इग्नोर करेंगे। फिर डी में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल जीरो है, हमने वर्क अलॉट कर दिया। जैसे ही वर्क अलॉट किया इस कॉलम में, सी में जॉब 4 में भी जीरो है तो इसे क्रॉस कर दिया है हमने। ये देखिए यहाँ पर ही क्रॉस कर दिया है, इसका ये वर्क अलॉट नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर एक जीरो रह गया, तो हमने यहाँ पर भी इसे वर्क अलॉट किया। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि ए को जॉब 2 मिलेगा, बी को जॉब 3 मिलेगा, सी को जॉब 1 मिलेगा और डी को जॉब 4 मिलेगा। मीन्स 4 जॉब हैं और 4 ही एम्प्लॉई हैं, इसका मतलब अलॉटमेंट ऑफ वर्क पॉसिबल हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये वास्तव में ऑप्टिमल है या नहीं है। इसके लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी है और इस बात को ध्यान में रखना है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा 0 एक बार में एक लाइन में कवर कर दी जाए। जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, फिर टेबल 6 उसी का ही कॉपी किया, देखिए वन इसी को ही हमने कॉपी करा है, तो हमने यहाँ पर लाइन दे दिया। अब हमें क्या करना है कि जॉब 1 ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर 0 एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देखिए एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले क्योंकि 2 रो हैं। फिर इस वाली रो में भी 2 जीरो हैं, तो मैंने ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया, 2 लाइन हो गई। अब बचे कौन से जीरो, एक ये जीरो बचा हुआ है और एक ये जीरो बचा हुआ है, तो ये इस जीरो की वजह से ये वर्टिकल लाइन आ गई और इस जीरो की वजह से ये वर्टिकल लाइन आ गई। इस तरीके से हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने बेटा, ये बात को ध्यान में रखना है जिससे कि सारे जीरो कवर हो जाएं। अब हमें ये देखना है कि लाइंस कितनी है, 4। ये मैट्रिक्स 4x4 का है, तो 4 तो चूंकि बराबर आ गए, बराबर आ जाने चाहिए, तो इसलिए हम कहेंगे चूंकि इक्वल है इसलिए असाइनमेंट किया जा सकता है। तो रिजल्ट क्या निकला हमारा, रिजल्ट ये निकला कि हमने टेबल 7 में दिखाया, यहाँ पर रिजल्ट ये दिखाया हमने, ऊपर से दिखा दिया यहाँ पर कि ये हमने जॉब जो है टेबल 5 में जो ये दिखाया है वो बिल्कुल टेबल 7 वाला ही जॉब अलॉट हो चुका है। ए को जॉब 2 मिला, बी को जॉब 3 और सी को जॉब 1 और डी को जॉब 4। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ए के सामने क्वेश्चन में देखेंगे जॉब 2 के आगे 3 लिखा हुआ है, जॉब बी को जॉब 3 दिया जो 5 मिनट्स लेंगे, सी को जॉब 1 मिलेगा 6 मिनट्स लगेगा और डी जॉब 4 करेंगे और 1 मिनट लगेगा। टोटल 3 + 5 + 6 + 1 = 15 मिनट्स, ये टोटल टाइम है। ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी हमने 2 ही जॉब लिए हैं, 4 जॉब लिए हैं, चारों जॉबों को और 4 ही एम्प्लॉयज हैं। तो 1 2 3 4 जॉब हैं, एम्प्लॉय ए बी सी डी है। स्टेप वही है, स्मॉलेस्ट आइटम हमें सर्च करना है रो वाइज। 4 2 7 1 में स्मॉलेस्ट है 1, 8 5 3 4 में स्मॉलेस्ट है 3, 4 5 6 1 में स्मॉलेस्ट है 1, 7 6 5 9 में स्मॉलेस्ट है 5। ये हमने निकालने के बाद अगली टेबल में, टेबल 2 में हमने सबट्रैक्ट करा और हमने निकाला इसका 4 - 1 3, 2 - 1 1, 7 - 1 6,
वन माइनस वन जीरो। अब सेकंड रो में देखिए थ्री है स्मॉलेस्ट आइटम, तो एट माइनस थ्री फाइव, फाइव माइनस थ्री टू, थ्री माइनस थ्री जीरो, चार फोर माइनस थ्री वन। थर्ड रो में आपके पास है फोर, फाइव सिक्स वन का स्मॉलेस्ट आइटम वन था, फोर माइनस वन थ्री, फाइव माइनस वन फोर, सिक्स माइनस वन फाइव, वन माइनस वन जीरो। फोर्थ रो डी है, फाइव है इसमें स्मॉलेस्ट आइटम, सेवन माइनस फाइव टू, सिक्स माइनस फाइव वन, फाइव माइनस फाइव जीरो एंड नाइन माइनस फाइव फोर। इस तरह से हमने एक टेबल टू डेवलप कर लिया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट आइटम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। अब हम टेबल थ्री में निकालेंगे स्मॉलेस्ट आइटम, इसको कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर एग्जैक्ट। टेबल थ्री में हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करते समय हमने कहा यहाँ पर थ्री फाइव थ्री टू में स्मॉलेस्ट है टू, वन टू फोर वन में स्मॉलेस्ट है वन, सिक्स जीरो फाइव जीरो में स्मॉलेस्ट है जीरो, जीरो वन जीरो फोर में स्मॉलेस्ट है जीरो। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पर थ्री माइनस टू करेंगे और हम टेबल फोर डेवलप करेंगे। मीन्स पहला स्टेप था रो वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट घटाना, और सेकंड स्टेप हमारा जो टेबल फोर में जा रहा कर रहे हैं हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम सब्ट्रैक्ट करना। थ्री माइनस टू वन, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस टू जीरो। ये पहली कॉलम कंप्लीट हो गई है। जो अब टू की कॉलम देखिए, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, फोर माइनस वन थ्री, वन माइनस वन जीरो। और मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर स्मॉलेस्ट आइटम एलिमेंट जीरो आया है उनको एज इट इज कॉपी कर दिया, सिक्स जीरो फाइव जीरो, सिक्स जीरो फाइव जीरो, टाइम सेविंग है, जीरो वन जीरो फोर, तो जीरो वन जीरो फोर। अब ये एक नई टेबल फोर जनरेट हो गई है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर जॉब अलॉटमेंट हो सकती है। तो हम ट्राइंग टू एलोकेट जॉब कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं, लेट अस ट्राई। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, यहाँ पर जब हम रो वन को अलॉट देखते हैं, यहाँ पे दो जीरो आ गए हैं, इसे नहीं देखेंगे। यहाँ पर बी में एक ही है, यस, तो यहाँ पर हमने इसे वर्क अलॉट कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ वर्क अलॉट किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी तो है, इसलिए हम यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस कर देंगे, यहां अलॉट किया था ये क्रॉस कर देंगे। अब सी रो में बी का काम हो गया, सी में देखिए यहाँ सिंगल है, यहाँ अलॉट कर देंगे, यहाँ अलॉट होते सारी यहाँ क्रॉस कर देंगे, यहाँ क्रॉस होते सिंगल जीरो हो गया, यहाँ पे अलॉट कर देंगे। राइट साइड में मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो सब अलॉटमेंट आ रहा है, ए को भी अलॉट हो गया। बी का देखते हैं, बी के पास क्योंकि यहाँ अलॉट किया था तो यहाँ इसे क्रॉस करेंगे, और यहाँ पर फिर हमने इनको वर्क अलॉट कर दिया। तो एक नई टेबल सिक्स जनरेट कर ली हमने एज इट इज, कॉपी मारी और देखा कि हमारे पास ये टेबल बन गई है। अब हमें ये देखना है कि
कि वर्क तो अलॉट हो गए, चार जॉब हैं, चार ही हमारे पास एम्प्लॉई हैं, ये वर्क अलॉट हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क अलॉट हो चुके हैं। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की जाएं जिससे कि ऑल जीरो शुड बी कवर्ड। अब यहां पर देखिए, यहां दो जीरो हैं, यहां पर एक जीरो है और यहां पर एक जीरो है, यहां तीन जीरो है। तो पहली लाइन मैं यहां ड्रॉ करूंगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली लाइन यहां ड्रॉ कर दी। इस वाले में यहां दिखाई है मैंने, इससे क्या हुआ, काफी जीरो कवर हो गए। अब आपकी मर्जी है आप बाकी कैसे वर्टिकल खींचते हैं। यहां पर फिर दो जोड़ो रह गई हैं, तो यहां पर दो हैं तो मैं यहां लाइन ड्रॉ करूंगा और ये मैंने लाइन ये देखिए ड्रॉ करी। अब बचा कौन सा जीरो, अभी एक जीरो ये बचा हुआ है और एक जीरो ये बचा हुआ है। तो इस जीरो के लिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये वाली, ये जीरो भी कवर हो गया। इस जीरो के लिए मैं यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि ये लाइन ड्रॉ की है। अब आप देखिए चार लाइन ड्रॉ हो गई हैं और ये मैट्रिक्स भी 4x4 का है। तो चूंकि बराबर है तो असाइनमेंट्स पॉसिबल है, ऑप्टिमिलिटी है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमने ऊपर वर्क अलॉटमेंट किया है वो सही है और हमने उसे अलॉट कर दिया टेबल 7 में। देखिए यहाँ मैंने करके दिखाया आपको, टेबल 7 में अलॉटमेंट ऑफ वर्क किया, जो हमने ऊपर अलॉटमेंट ऑफ वर्क किया था ये वाला बिल्कुल सेम यही वाला है। इसे बॉक्सेस से फॉर्म में बनाया गया है, दिखाया गया है, जिससे कि आपको कन्वीनियंटली पहचान आ जाए। यहाँ पर हमने वर्क अलॉट किया, यहाँ अलॉट किया ए को दो जॉब, टू अलॉट किया, बी को जॉब 3 अलॉट किया गया और सी को जॉब 4 अलॉट किया गया और डी को जॉब 1 अलॉट किया गया। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने फिर देखा ये जो जॉब अलॉट किए गए थे इनके सामने टाइम लिख दिया 2 3 1 7, 2 प्लस 3 5, प्लस 1 6 और जॉब बी का 7 है, टोटल हो गया 13। तो 13 मिनट्स लगेंगे इस जॉब वर्क को कंप्लीट करने में। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसमें और प्रॉब्लम्स करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च की। हैव ए नाइस डे।